साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों आज की क्लास में हम मॉडल लाइब्रेरी बिल और एक्ट की बात करने वाले हैं। समय समय पर कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी बिल आए, समय समय पर कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आए हैं, हम उनकी चर्चा आज के क्लास में करने वाले हैं। और इस क्लास में हम आज 6 प्रकार के मॉडल लाइब्रेरी बिल और एक्ट बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को हम लेंगे और उसे विशेषताओं के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विशेषताओं के साथ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को शुरू करने से पूर्व मैं आपको एक विशेष बात और बता देता हूं। संपूर्ण भारत में आप लाइब्रेरी साइंस का कोई भी पेपर देंगे और अगर उस पेपर में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का कोई क्वेश्चन आता है तो एक पैटर्न लगभग फिक्स सा ही हो रखा है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं। वही 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो आपके लाइब्रेरी साइंस के पेपर में मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संबंध में पूछे जा रहे हैं। तो हम प्रारंभ करेंगे उन्हीं 15 से 20 क्वेश्चनों के साथ और साथ ही साथ एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का मैं आपको नाम भी बताते हुए चलूंगा। अर्थात मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का नाम देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इससे आने वाले महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे और फिर विस्तार के साथ हम तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कोई रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, क्या पता इस बार रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन पहले हम उन्हीं की बात करें। तो चलिएगा एक एक की हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 का। 1930 का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 किसके द्वारा तैयार किया गया था, बहुत बार पूछा जाता है। आप बताएंगे सर S.R. रंगनाथन साहब के द्वारा तैयार किया गया था। फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के संबंध में या मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 की चर्चा किस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। आपका जवाब होगा फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में आयोजित हुई थी, इसमें चर्चा की गई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई थी उसका आयोजन कब हुआ था। आप उस परिस्थिति में बताएंगे, बोले सर 1930 को आयोजित हुई थी, किस महीने में हुई थी, आप कहेंगे दिसंबर में हुई थी। अगर तारीख भी आपसे पूछे तो आप बता देना 26 से 30 दिसंबर 1930 को यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, तो यह आप आसानी के साथ बता देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 में संशोधन कब कब हुए थे। आप बता दीजिएगा सर 1957 और 1972 में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है। बोले ये सब क्वेश्चन मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के संबंध में पूछे जा रहे हैं, तो यहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 1948 के मॉडल लाइब्रेरी बिल की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1948 का मॉडल लाइब्रेरी बिल किसके द्वारा तैयार किया गया था। आपका जवाब होगा S.R. रंगनाथन के द्वारा यह बिल तैयार किया जाता है। 30 वाला और 48 दोनों ही S.R. रंगनाथन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 48 वाले के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 का उद्देश्य क्या था। आप बताएंगे
बोले सर दिल्ली में राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आप बता दीजिएगा सर 1950 में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, इसको भी हम साइड करते हैं और अब देखते हैं हम 1963 का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। 1963 वाले के संबंध में क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1963 की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। नियुक्ति पूछता है 63, 65 और 89 तीनों वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के संबंध में। 63 वाले की नियुक्ति की बात करें तो आप कहेंगे सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्ति करी गई थी। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया था, आप कहेंगे सर एमडी सेन साहब को 1963 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन बनाया गया था। या फिर सीधा कई बार ऐसे भी पूछता है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्त मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन कौन था, वर्ष नहीं देता, आप बताएंगे सर एमडी सेन थे। तो ये वाले क्वेश्चन यहां से पूछता है। बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1965 की। क्वेश्चन पूछेगा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1965 की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी, आपका जवाब होगा 65 वाले की नियुक्ति प्लानिंग कमीशन के द्वारा करी गई थी। P4 प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा करी गई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा योजना आयोग के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का चेयरमैन कौन था, प्लानिंग कमीशन वाले के चेयरमैन कौन थे, आपका जवाब होगा VKRV राव थे। बता देना प्लानिंग कमीशन वाले प्लानिंग कौन करते हैं, बोले राव साहब करते हैं। तो 1965 वाले के चेयरमैन VKRV राव थे। ठीक है, बात करते हैं 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989 की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी, नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी, चेयरमैन कौन थे, दोनों चीज पूछता है। नियुक्ति ILA के द्वारा करी गई थी और चेयरमैन वेंकटप्पा थे, दोनों चीज आप यहां से भी याद कर लीजिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, 1989 का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था उसमें संशोधन कब कब हुए थे, दोनों सन आपको याद करनी पड़ेंगे। एक तो 95 में संशोधन होता है 89 वाले के अंदर, एक तो 95 में संशोधन होता है और फिर 2005 में भी इसमें संशोधन किया जाता है। 95 में इसका नाम परिवर्तन होता है, खैर वो तो सारी बातें हम करेंगे। 95 और 2005 इसके लिए आप जरूर याद करिएगा। फिर हम बात करते हैं छठवां मॉडल लाइब्रेरी एक्ट आपका आता है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 2008, और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके चेयरमैन कौन थे, आप बता दीजिएगा इजरी साहब या इजारी साहब इसके चेयरमैन थे। तो ये चीजें यहां से आपको याद होनी चाहिए। 21वीं सदी का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट कौन सा है, तो बिल्कुल 2008 21वीं ही सदी है, 8 में तो 21वीं स्टार्ट हो ही गई ना, 2000 से ऊपर जाते ही तो 21वीं शुरू हो गई, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से मॉडल लाइब्रेरी एक्ट थे, बोले सबसे पहले 30, फिर 48, 48 के बाद आया 63, 65, 89, 2008, इस प्रकार से 6 आपको याद करने पड़ेंगे और इनके संबंध में कौन कौन से व्यक्ति हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। 30 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, SR रंगाना था। 48 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले सर SR रंगाना था। 63 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, MD सेन थे। 65 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले राव साहब थे। 89 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले सर वेंकटप्पा थे। 2008 वाले से संबंधित व्यक्ति कौन थे, बोले इजरी थे। 63 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, बोले सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। 65 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, बोले सर प्लानिंग कमीशन के द्वारा की गई। 89 वाले की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, आप बोलेंगे सर ILA के द्वारा की गई। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी पढ़ने का आनंद आएगा।
अब हम एक एक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को लेंगे और उसे विशेषताओं के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा चलिएगा शुरू करते हैं हम मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के साथ और इन्हें हम विस्तार के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 1930 का मॉडल लाइब्रेरी जो एक्ट है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? पहला ही क्वेश्चन है आपका। बोले सर एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा यह तैयार किया जाता है। दूसरा आपसे पूछेगा संशोधन कब हुआ इसमें? बोले सर 1957 और 1972 में 30 वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के दो संशोधन आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऊपर चर्चा कब की गई थी और कहां की गई थी। तो फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में आयोजित हुई थी इसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1930 के ऊपर चर्चा करी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी बनारस में जो आयोजित हुई थी वह कब से लेकर कब तक आयोजित हुई थी? आप बताइएगा 26 से 30 दिसंबर 1930 को आयोजित हुई थी। तो ये चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये बनारस भी बहुत बार पूछा जाता है, बोले कहां आयोजित हुई थी, बता देना बोले बनारस में आयोजित हुई थी। चलिएगा हम बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी बिल 1948 की। यह अभी बिल है, एक्ट नहीं बना। तो बिल 1948 इसका भी मसौदा एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या था? नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना का सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर बाद में 1950 के अंदर इसका प्रकाशन किया जाता है, द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के एक पार्ट के रूप में 1950 में यह 1948 वाला बिल प्रकाशित होता है। तो आप यह भी याद रख लेना कहां प्रकाशित होता है। बोले सर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के एक पार्ट के रूप में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? बोले 1950 में यह पब्लिश होगा या हुआ था। चलिएगा बात करते हैं तीसरे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 की। 1963 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 63, 65 और 89 तीनों याद कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से। नियुक्ति की बात करें किसके द्वारा की गई थी? बोले सर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। चेयरमैन इसमें एमडी सेन साहब को बनाया जाता है और सिन्हा समिति जो 57 में आई थी इसके ऊपर कार्यवाही के रूप में यह एक्ट लाया जाता है। कौन लेके आता है? बोले शिक्षा मंत्रालय लेकर आता है। अब आप इन्हें याद ऐसे भी कर सकते हैं, बोले शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री है ना सेन ने, शिक्षा मंत्री सेन ने अर्थात सबने सबको, तो शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर 6 और 3 शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर मेडल पहना हुआ। बोले ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री सेन ने छाती पर मेडल पहना हुआ। तो शिक्षा मंत्री से तो शिक्षा मंत्रालय होगा, सेन ने अर्थात सेन साहब इसके चेयरमैन थे, छाती पर अर्थात 6 और 3 63 हो गया, मेडल पहना हुआ था मॉडल लाइब्रेरी एक्ट हो गया। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी हो वैसे याद रख लेना, बट याद रख लेना। बात करते हैं इस एक्ट की विशेषताओं की, क्या क्या विशेषताएं थी इसमें, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये प्रावधान भी आप याद रख लेना। अगर कोई आप अच्छे लेवल का पेपर देते हैं तो प्रावधानों के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना बना करके दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिएगा स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था? आप कहेंगे सर 1963 वाला जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था इसमें इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में था? आपका जवाब होगा 1963 वाला जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था उसमें राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना का प्रावधान किस मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था? बोले शिक्षा मंत्रालय का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था 1963 वाला, उसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सब के सब क्वेश्चन है, आप इन्हें एक भी चीज को नहीं छोड़ सकते। हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी शेष पुस्तकालय उपकर का संग्रहण किया जाए, ये प्रावधान भी 1963 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में किया गया था। 6 पैसे प्रति रुपए, और वो भी किस पर? हाउस पर और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी से पुस्तकालय उपकर का संग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था 1963 वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में। चलिएगा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडल लाइब्रेरी या मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 की। याद सबसे पहले यह रखना है, नियुक्ति कौन करता है और चेयरमैन किसे बनाया जाता है, यह तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उद्देश्य और विशेषताएं भी हम याद करेंगे। तो नियुक्ति करता है योजना आयोग, 65 फॉर प्लानिंग, तो 65 वाले का प्लानिंग कमीशन नियुक्ति करता है। 63 में यह बिल तैयार हो जाता है और 65 के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। यह 7 सितंबर, चाहो तो याद कर लेना और चाहो तो स्किप कर देना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है, 65 जरूर याद रख लेना। चेयरमैन इसके किसे बनाया गया था? बोले सर VKRV राव साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया था। 65 वाले के चेयरमैन कौन थे? आप कहेंगे सर राव साहब इसके चेयरमैन थे। योजना आयोग का जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था? आपका जवाब होगा VKRV राव साहब को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके उद्देश्यों की तरफ। उद्देश्य क्या क्या थे? चौथी पंचवर्षीय योजना, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं याद होंगी। और चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आपके सिलेबस में शायद इस बार इकोनॉमिक्स भी है और इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ये सारी चीज पढ़नी पड़ेंगी। 51 से 56 में पहली आती है और फिर 5-5 साल के अंतराल पर चलती है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का ये गैप होता है और 3 साल का गैप देकर अपन चौथी काउंट करते हैं, तो ये मुझे लगता है याद होंगे आपको। देखिएगा, खैर लाइब्रेरी साइंस में आते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुस्तकालयों के विकास की योजना बनाना और सलाह देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, बोले सर कोई दिक्कत यहां हमें नहीं होगी। इसके तहत वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया था, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन 1964 में किया जाता है और यह गठन VKRV राव साहब के द्वारा किया जाता है, तो ये चीजें आप याद रख लेना। विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेंगी। पहली विशेषता क्या थी? राज्य पुस्तकालय परिषद की बोले स्थापना की जाए, ऐसा इसमें प्रावधान था। सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की भी स्थापना की जाए, इसमें यह भी प्रावधान किया गया। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जाए, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था। जिला पुस्तकालय समिति हेतु भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज मैं एकदम स्पष्ट रूप से लेके आया हूं, अब तो आप याद कर लेना। बिल्कुल मैंने क्वेश्चन ही डाल दिए हैं ये सब, ये मान के चलो थ्योरी को एकदम बाहर कर दिया है, जहां से क्वेश्चन बन सकता था सीधे क्वेश्चन के रूप में डाल दिए हैं। अब भी अगर आप लोग याद नहीं करते हो तो ये तो फिर बेवकूफी आप करोगे। राज्य पुस्तकालय परिषद, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय समिति हेतु प्रावधान किया गया था 1965 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण और भी योजनाएं हैं, वो भी आप देख लेना। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय प्रणाली का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये सब के सब विशेषताएं, पूरी कंप्लीट विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर आप लोग कोई अच्छे लेवल का पेपर दे रहे हैं तो। अदरवाइज मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। राज्य के, देखो ये सबसे बड़ी बात है, और आप भी कुछ दिन बाद गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉई बन जाएंगे, बहुत जल्दी आप बन जाएंगे। तो राज्य के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयों का उपचार इसमें किया जाए, ये बात भी कही गई थी। इसमें पुस्तकालय उपकर की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी सेस की व्यवस्था नहीं करी गई थी। कौन से एक्ट में नहीं करी गई थी, तो हम आपको पता ही है, 1965 वाला अभी पढ़ रहे हैं। बात करते हैं 1989 के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट की, देखिएगा बहुत जरूरी है ये भी। सबसे पहला ही क्वेश्चन, नियुक्ति कौन करता है, बोले ILA करता है। चेयरमैन किसे बनाया जाता है, बोले वेंकटप्पा को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ILA के चेयरमैन कौन थे, ILA कटप्पा आयोग बोले, है ना, तो याद कर लेना भाई ये भी। उद्देश्य देख लीजिएगा, मौजूदा पुस्तकालय अधिनियम से प्राप्त हालिया विकास और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार करना इसका उद्देश्य था। वैसे मैं आपको ये PDF ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूं, लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन पे मैं आपको ये PDF कंप्लीटली उपलब्ध करवा देता हूं, जिसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट ले लिया करो, 5 से 7 दिन के बाद आप ईमित्र पे जाकर वहां से प्रिंट आउट निकलवा के अपने नोट्स तैयार कर सकते हो और अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा याद करने में लगा सकते हो। यह सुविधा प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रखा है मैंने आपको, नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर समय है तो आप नोट डाउन करिए, लेकिन अगर समय नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं याद करने में ज्यादा समय व्यतीत करूं, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर कोर्स में जाकर के आप देखेंगे तो डेली PDF नाम से ऑप्शन हमने बना रखा है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF हम डाल रहे हैं, सभी आप देख सकते हैं। अब चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर चर्चा कब की गई और कहां की गई थी। बोले सर नई दिल्ली के अंदर नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का आयोजन हुआ था, उसके अंदर आपके 1989 का जो लाइब्रेरी एक्ट था इसके ऊपर चर्चा करी जाती है, दिल्ली में करी जाती है बोले। और उसमें कहां की गई थी, 30 वाले में, बोले सर बनारस में की गई थी। ठीक है, इसमें 2 बार संशोधन होता है, पहली बार 1995 में होता है और दूसरी बार 2005 में होता है। 1995 के अंदर तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और क्या रखा जाता है, मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट इसका नाम कर दिया जाता है। तो यह भी आप जरूर याद रख लेना, ये नाम कब बदल दिया जाता है, बोले 1995 में। दोबारा से संशोधन होता है इसमें 2005 के अंदर, तो ये भी आप जरूर याद कर लेना, 1995 और 2005 दोनों सन महत्वपूर्ण है। विशेषताएं फिर से हमें पढ़नी है, बहुत आवश्यक है जब आप कोई अच्छे लेवल का पेपर देने जाते हैं तो इन विशेषताओं से ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। और नेट वाले बच्चे तो विशेष रूप से इन विशेषताओं को याद कर लेना भाई, वहां तो यह मान के चलिए इनमें से ही क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिएगा पहली विशेषता देखते हैं, क्या क्या प्रावधान थे इसमें। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया था। जिला पुस्तकालय प्राधिकरण सूचना सेवा निदेशालय के गठन का प्रावधान इसमें किया गया था। तो ये सारी चीज आप याद करेंगे, बार बार इन्हें पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ी बात एक आपके सामने आ रही है, लाइब्रेरीज के नाम को बोले बदल दिया गया था। क्या कहा, लाइब्रेरीज के नाम को लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में बदलने की बात इस एक्ट में करी जाती है। लाइब्रेरी को नाम के बदलने की बात किसमें की जाती है,
बोले सर आपका 1989 का जो एक्ट था उसमें लाइब्रेरी के नाम को बदलकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर रखने की बात की गई है। बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना भाई। चलिएगा अगली विशेषता देखते हैं। सार्वजनिक सूचना कियोस्क का प्रावधान इसमें किया जाता है। लाइब्रेरी सेस का बारहमासी स्रोत और उचित जवाबदेहिता भी निर्धारित करने की बात इस एक्ट में की जाती है। चलिएगा तो ये सारी विशेषताएं आप देखेंगे और ये बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे। अब चलते हैं हम छठवां और आखिरी आपका लाइब्रेरी एक्ट है जो 2008 में आता है, जिसे 21वीं सदी का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट भी कहा जाता है। 2008, 2000 से ऊपर निकलते ही 21वीं सदी शुरू हो जाती है, तो 21वीं सदी का अपने आप हो जाता है जब 2008 में आएगा। ठीक है, पहली बात 21वीं शताब्दी हेतु मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था। ठीक है, ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? बोले एस आर इजरी या कई जगह एस आर इजारी भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात करते हैं विशेषताओं की। इसमें कुछ विशेषताएं ज्यादा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि 21वीं सदी का है ये और 21वीं सदी ही अभी चल रही है, तो ये सारी चीजें आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग की बोले स्थापना करी जाए। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना करने की बात भी 2008 वाले मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में करी जाती है। राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की भी बोले स्थापना की जाए, क्षेत्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद की भी स्थापना की जाए, मेट्रोपोलिशन, मेट्रोपोलिशन का मतलब होता है महानगर, तो महानगर सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की भी स्थापना की जाए। महानगर के बाद नगर आ गया, नगर या शहरी सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की भी स्थापना की जाए, जिला सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण की भी स्थापना की जाए, जिला के बाद फिर आएंगे तो तालुका पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी की भी स्थापना की जाए, तालुका के बाद टाउन पब्लिक लाइब्रेरी, देखो क्रम से आ रहे हैं और अपने आप याद हो जाएंगे ये सब, टाउन पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना, टाउन के बाद ग्राम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी की स्थापना, राज्य केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान, ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं। पुस्तकालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का भी बोले गठन किया जाए और लाइब्रेरी सेस भूमि भवन मनोरंजन, भूमि भवन मनोरंजन और माल के प्रवेश पर इकट्ठा किया जाए, इनके ऊपर लाइब्रेरी सेस लगाया जाए, ये बात भी इस एक्ट में करी गई है। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, वो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कभी नहीं करने वाले हो। सब चीजें याद कर लेना, फालतू चीजें मैंने बाहर कर दी हैं और जहां से क्वेश्चन बनता है वही चीज मैं आपके लिए लेके आता हूं। इधर उधर की बातें मैं क्लास में कम से कम करने की कोशिश करता हूं। मेरी आधे घंटे की क्लास में भी लगभग 1.5 घंटे का मैटर मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर मैं आधे घंटे पढ़ाऊं और उसमें भी 15 मिनट इधर उधर की बातें करके आपका टाइम खराब करूं, तो ये मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा और आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होगा अगर आप फिर भी क्लास ले रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आधे घंटे की क्लास में मैं कम से कम आपको 1.5 घंटे में जो लोग पढ़ाते हैं उतना कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊं। 1 घंटे की क्लास है तो लगभग आपको 3 घंटे की क्लास में जो लोग पढ़ाते हैं उतना कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊं। पीडीएफ से आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। मैं एक एक चीज को लिख लिख के अगर यहां बताता तो बहुत समय मेरा लिखने में व्यर्थ होता और आपका इसे पढ़ने में व्यर्थ होता। आप देखते जाते लिखा लिखाया है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको याद करवाऊं। अगर लिखते हुए जाता मैं तो बहुत समय मुझे लगता और फिर आपके लिए ये वीडियो लंबा हो जाता, तो जो आधे घंटे में दे पा रहा हूं वह कंटेंट में लगभग 1.5 से 2 घंटे में दे पाता। आपका समय फालतू व्यर्थ हो जाता मेरी झूठी मास्टरगिरी के चक्कर में। तो ऐसी बेवकूफी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने खुद ने सिलेक्शन लिया है तो हमें मालूम है टाइम कितना इंपॉर्टेंट है
बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है आपका ये समय, और एग्जाम टाइम पर तो आपको समय मिलता ही नहीं है, आप क्लासे ले ही नहीं सकते उस समय तो, और वो क्लासे तो आप गलती से भी नहीं ले सकते जिनमें बहुत अधिक समय आपका व्यर्थ किया जाता है। बाकी आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आप कर दिया करो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।